सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सैमसंग के डिवाइस में परफॉर्मेंस मोड को कैसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, गेम खेलते समय या फिर आप फ़ोन यूज कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 40 लाइक, 40 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस मोड को आपको ऑन करने के लिए डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा। अगर आपके डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना होगा। यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन में जाना होगा, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा और बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर मोड हैज़ बीन इनेबल्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, Force 4X MS AA। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा और गेम खेलते समय भी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा और भी आप अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हैं अपने डिवाइस में। लेकिन ये फीचर आपको UI 2 अपडेटेड डिवाइस में ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके डिवाइस में UI 2 और Android 10 का अपडेट आया हुआ है, इंस्टॉल आपने किया हुआ है, तो ये फीचर आपको देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपने डिवाइस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं गेम खेलते समय या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो इम्प्रूव देखने को मिल जाएगी। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा हीट करेगा डिवाइस, नॉर्मली जो हीट करता है उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि हीट करे, लेकिन जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आपको इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिलेगी, यानी जो स्मूथनेस है डिवाइस की वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपको इस फीचर को यूज करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिवाइस में ही अवेलेबल है, तो इसे इनेबल कीजिए और यूज कीजिए। और अगर आपको इसे डिसेबल करना है तो बेसिकली आप डिसेबल भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिसेबल भी कर दिया है। तो आप जब चाहे इनेबल कर लीजिए, जब चाहे डिसेबल कर लीजिए, ये आपके डिवाइस में ही फीचर अवेलेबल है। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।